पंचकुला से मोरनी जाने वाला सड़क बंद हो गया है। गांव थाना के पास सड़क धंस गई है। पंचकुला से मोरनी जाने वाला जो सड़क है वो बंद किया गया है क्योंकि गांव थाना के पास सड़क धंसी है। सड़क धंसने से मोरनी में कई लोग फंस गए हैं। जो सैलानी थे वो यहां पर फंसे हुए हैं। मुख्य मार्ग पूरी तरीके से टूट गया है और अब लोगों को कई किलोमीटर तक घूमना पड़ रहा है। फिलहाल इस सड़क को दुरुस्त करने के लिए विभाग लगा हुआ है ताकि ट्रैफिक को सुचारू किया जा सके। दिव्या राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। दिव्या, सबसे पहले अपडेट बताइए, कब तक इस सड़क को दुरुस्त किया जा सकता है और प्रशासन क्या कह रहा है? जी, बता दें कि पंचकुला से जब हम मोरनी जाते हैं उस मार्ग पर सड़क जो है वो पूरी तरीके से धस गई है, जिसके चलते वहां पर आने जाने वाले लोगों को तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसी के साथ ही जब वहां पर सैलानी जाते हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल है वो, वहां पर जाने वाले लोग वो भी वहां पर फंसे हैं। उसी के साथ ही जो है पंचकुला लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं। और अभी तक जो हमें जानकारी मिल पाई है वो बताया जा रहा है कि मोरनी से वाया रायपुरानी के मार्ग से, ये मार्ग टोटल अगर मोरनी से रायपुरानी जाना है तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है रायपुरानी का है, और रायपुरानी से अगर पंचकुला आते हैं तो टोटली 40 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जो है लोगों को आना पड़ेगा, जिससे कि ये पंचकुला से मोरनी जाते हैं तो 30 किलोमीटर का सफर होता है, लेकिन अब वो है 80 किलोमीटर का सफर जो है पंचकुला तक लोगों को पड़ गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। और मोरनी में लोक विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द ही जो है रास्ते को दुरुस्त करवाया जाएगा, क्योंकि अभी जो सड़क है वो धसी है। मुख्य मार्ग यही है पंचकुला से मोरनी को जोड़ता हुआ, तो इसमें काफी समय लग सकता है सड़क को ठीक करने में। जी, ये बताइए, इन इलाकों में तो ऐसे ही जो सैलानी होते हैं उनको जाने से मना किया जाता है कि इस मौसम में आप बचिए, उसके बाद भी इतने बड़े पैमाने पर लोग कैसे पहुंच जा रहे हैं? जी सर, मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि पंचकुला से जब सैलानी जाते हैं तो वहां पर जो है पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी बैठे होते हैं, वो उनसे वहां से उनको वापस कर देते हैं। लेकिन जो रायपुर रानी वाला एरिया है वो गांव देहात का एरिया है, वहां पे पुलिस अधिकारी नहीं होते, क्योंकि ये रास्ता जो है गाँव के बीचों बीच जो है मोरनी को जोड़ता है। उसी के साथ ही अगर हम भुर्ज कोटियों की बात कर लेते हैं, वो भी मोरनी को जोड़ता हुआ इलाका है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो बड़ी लापरवाही बरतते हैं। उनका जैसे छुट्टियां होती है तो वो वहां पे एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वहां पे जो रास्ते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, मानसून का चल रहा है, मानसून में जो है वहां से लैंडस्लाइडिंग के भी मामले जो है लगातार देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सड़क धस गई है, जिसके कारण पूर्णतः मोरनी और पंचकुला का जो संबंध है, आने जाने का रास्ता, कनेक्टिविटी है, वो पूर्ण रूप से बंद हो गई है। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि वो इन दिनों में, बरसात के दिनों में, जो पहाड़ वाले क्षेत्र है वहां पर ना जाएं, क्योंकि वहां पर बरसात के कारण लैंडस्लाइडिंग भी होती है और वहां पर बरसात के कारण जो सड़कें हैं वो भी धस जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका।